बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे माँ के हवाले से बात करने का मौका मिला है। तो माँ एक अजीम हस्ती है जो कुदरत का अनमोल तोहफा है। माँ के बग़ैर घर भी बहुत सूना है और माँ जो है घर में अच्छी लगती है। सब बच्चे घर आते हैं या बेटियाँ ख़ास तौर पे, तो माँ से अपने दिल की हर बात करती हैं। माँ जो होती है बेटी की सहेली होती है, तो वो उसे बेटी जो है हर दुख सुख अपनी माँ से कर सकती है। तो आज हम जो कुछ भी हैं अपने माँओं की वजह से हैं, उनकी मेहनत और उनकी कोशिशों से हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी अच्छी माएँ बन के दिखाएँ अपने बच्चों के लिए। अच्छी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी अपनी माँओं की तरह अच्छा और अजीम बनाए, ताकि हम भी अपनी बेटियों के लिए कोई मिसाल बन सकें। तो मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हमारी माँओं को हमेशा खुश रखे, सेहत तंदुरुस्त रखे, और उनकी दुआएं हमेशा हमारे लिए कायम और दायम रहें। शुक्रिया। मैडम, आपको अगर दोबारा ज़िंदगी मिले दोबारा ज़िंदगी मिले तो मैं अपनी माँ की सेहत की बड़ी ख्याल रखूँगी, उनकी खिदमत करूँगी, जो मुझे कमी बेशी रह गई है वो करूँगी, और बाकी अल्लाह ताला हमारी माँओं को सेहत तंदुरुस्ती दे, हमेशा हमारे सरों पे माँओं का साया कायम रखे और कायम हो जाए। शुक्रिया बहुत बहुत।